नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण जो अपनी समीक्षा करने और अपना सुधार कर सकने की आवश्यकता को समझता है और उसके लिए ईमानदारी से तत्पर रहता है, वह गिरी हुई स्थिति में नहीं पड़ रहा सकता। उसके जीवन का विकास होने ही वाला है। उसे प्रगति के पथ पर चलते हुए एक दिन महापुरुषों की श्रेणी में अपनी गणना करने का अवसर मिलने ही वाला है। उतावले और जल्दबाज, असंतुष्ट और उद्विग्न व्यक्ति एक प्रकार के अधपगले कहे जा सके है। वे जो चाहते हैं उसके तुरंत ही प्राप्त हो जाने की कल्पना किया करते हैं। यदि जरा भी देर लगती है तो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और प्रगति के लिए अनुचित आवश्यक गुण मानसिक स्थिरता को खोकर असंतोष रूपी उस भारी विपत्ति को कंधे पर ओढ़ लेते हैं, जिसका भार लेकर उन्नति की दिशा में कोई आदमी देर तक नहीं चल सकता। स्वतंत्र बुद्धि की कसौटी पर आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उस साहस के साथ प्रकट कीजिए, दूसरों को सिखाए, चाहे आपको कितने ही विरोध अवरोधों का सामना करना पड़े। आपकी बुद्धि जो निर्णय देती है उसका गला न घाटे। आप देखेंगे कि उससे आपकी बौद्धिक तेजस्विता, विचारों की प्रखरता बढ़ेगी और आपके बुद्धि अधिक कार्य कुशल और समर्थ बनेगी। आनंद का सबसे बड़ा शत्रु है असंतोष। आम प्रगति के पथ पर उत्साह पूर्वक बढ़े, परिपूर्ण पुरुषार्थ करे, आशापूर्ण सुंदर भविष्य की रचना के लिए संलग्न रहे, पर साथ ही यह भी ध्यान रखे कि असंतोष की आग में जलना छोड़े। इस दावानल में आनंद ही नहीं, मानसिक संतुलन और समर्थ का स्रोत भी समाप्त हो जाता है। असंतोष से प्रगति का पथ प्रशस्त नहीं, अवरुद्ध ही होता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आत्मचिंतन के क्षण। किसी विचारधारा का परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जब वह कार्य रूप में परिपणित हो। मानसिक व्यसन के रूप में कुछ पढ़ते, सुनते और सोचते रहे, कार्य रूप में उसे परिगत न कर, जो उस विचार विलास मात्र से कितना उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। आध्यात्मिक विचारधारा का लंबा स्वाध्याय मन पर एक हल्की सी सत्वगुणी छाप तो छोड़ता है, पर और जब तक किया में वे विचार न उतरे तब तक वह स्वाध्याय भी एक विनोद व्यसन ही बना रहता है। अनावश्यक दुर्भावनाओं को मन में स्थान देना, दूसरों के लिए अशुभ सोचते रहना और के लिए उनका हानिकारक नहीं होता, जितना अपने लिए उचित नहीं वही है कि हम सद्भाव संपन्न रहे। जिनमें वस्तुत दोष दुर्गुण में उन्हें चारित्रिक रुग्णता से ग्रसित समझकर सुधार का भरसक प्रयत्न करें, पर उस वैश्य दुर्बुद्धि से बचे रहे जो अनंत अपने ही व्यक्तिगत को आक्रमक असुरताओं से भर देती है और दूसरों को ही नहीं अपना भी सर्वनाश प्रस्तुत करती है। ऊंचा उठना ही मनुष्य जीवन की सफलता का चिन्ह है। मन को निग्रहित, बुद्धि को परिकृष्ट, चित्त को उदास और अहंकार को निर्बल बनाकर इसी शरीर में दिव्य शक्तियों का अवतरण किया जा सकता है और उन विपत्तियों की लाभान्वित हुआ जा सकता है जो देवताओं में समहित मानी जाती है। यदि
तुम भलाई का अनुकरण करते कष्ट सहन करो तो कुछ समय पश्चात कष्ट तो चला जाता है पर भलाई बनी रहती है। पर यदि तुम बुराई का अनुकरण करते सुखों प्रयोग करो तो समय आने पर सुख तो चला जाएगा और बुराई बनी रहेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।